हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये जीएसटी के प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है. सो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स वो है ये. ईवे बिल इज नो लॉन्गर अ ड्रीम फ्रेंड्स, ये एक रियलिटी बन चुका है. इंडिया के गिने चुने चार स्टेट्स जो के है कर्नाटका, राजस्थान, उत्तराखंड एंड केरला, इन चार स्टेट्स में ऑलरेडी ईवे बिल की सिस्टम इंप्लीमेंट हो चुकी है. आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको ईवे बिल को कैसे जनरेट करना है और उसके फर्दर प्रोसीजर्स क्या होंगे. ओके, इवन हमारी जो ईवे बिल की वेबसाइट है दैट इज ewebill.nic.in, इस पे भी आपको पूरी यूजर मैनुअल प्रोवाइड की गई है. अगर आपको वो यूजर मैनुअल चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, बट इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे कि ईवे बिल को कैसे जनरेट करना है. हम जिस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है फीस. एग्जैक्टली फ्रेंड्स, कि एक ईवे बिल को जनरेट करने के लिए आप कितनी फीस चार्ज कर सकते हो. ओके, सो फ्रेंड्स मैंने मेरी सिटी में बहुत डेटा माइनिंग की है इस टॉपिक के ऊपर. ओके, मैंने वेरियस डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, टैक्स कंसल्टेंट्स है, अदर प्रैक्टिशनर्स है, उनकी मैंने सलाह ली है कि आप कितनी फीस चार्ज कर सकते हो इसके लिए. सो उनकी राय है कि अगर आपको एक ईवे बिल जनरेट करना है तो आप अप टू 500 रुपीज तक चार्ज कर सकते हो फ्रेंड्स. ओके, एंड अगर आपको एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल चाहिए या आपको जनरेट करना है तो आप अप टू 1000 रुपीज तक चार्ज कर सकते हो. अगर आपको नहीं पता है कि कंसोलिडेटेड ईवे बिल क्या होता है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं. कंसोलिडेटेड ईवे बिल वो होता है फ्रेंड्स जिसमें हम मल्टीपल कमोडिटीज को अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना चाहते हो तो आपको एक ईवे बिल की जरूरत नहीं होगी. व्हाट यू नीड इज दैट इज एन कंसोलिडेटेड ईवे बिल. आपको वहां पे कंसोलिडेटेड ईवे बिल की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स. ओके, सो आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो फ्रेंड्स कि आपके रेलेवेंट सिटीज में क्या रेट ईवे बिल के लिए अप्लाई होने वाले हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स. ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती है तो प्लीज फ्रेंड्स डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच इंपॉर्टेंट स्टफ्स अहेड. ओके, सो टिल नेक्स्ट फ्रेंड्स, बाय, यालस एंड पीस.